कैसे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल कृष्ण चक्षु में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो मेरा ये वीडियो है दोस्तों, वो आपको कुछ ऐसी जानकारी देने के लिए है जो हमारे जिज्ञासा, कभी कभी लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है कि पहले के जन्म में वैद्य जो हैं, पहले के समय में जो वैद्य हैं, वो कैसे जान लेते थे कि इस रोगी की मृत्यु निकट है। आज हमारा आधुनिक विज्ञान है वो भी इस चीज़ को नहीं जान पाता, लेकिन हमारे जो वैद्य हैं वो पहले बस कुछ एक चीज़ों को देख कर, ज्योतिषी जो हैं वो कुछ एक चीज़ों को देख कर बता देते थे कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब होनी है। तो दोस्तों, मैं आपकी उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो ईश्वर जो है हमारे लिए, हमारी मृत्यु से पहले या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से कई वर्षों पहले, 4 से 5 वर्ष पहले से कुछ ऐसे संकेत देने लग जाते हैं दोस्तों, जिससे हमको पता लग जाता है कि हमारी मृत्यु इतने समय में होने वाली है। तो मैं समय की गणना तो आपको नहीं बता सकूंगी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा विषय है। तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कुछ ऐसी गणनाएं, ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिससे अपन अपने घर में कोई बुजुर्ग है, कोई रोगी है, तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं कुछ एक टिप्स से कि ये व्यक्ति अभी कितने दिन और जिंदा रहेगा, क्या इस व्यक्ति की मृत्यु निकट है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है उसको सूर्य के चारों तरफ की किरणों का जो होता है वो दिखना बंद हो जाता है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर जो वलय होते हैं, किरणों का जो एक चमकदार संसार होता है, वो उसको दिखना बंद हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि यदि उस व्यक्ति को हम सूरज का और चंद्रमा का प्रतिबिंब यदि किसी जल के पात्र में दिखाएं तो उसको वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। तीसरा है, सूरज की तरफ पीठ करके यदि हम उस व्यक्ति को खड़ा करें तो यदि उसके अंगों के आधार पर कि यदि उसके होंठ दिखाई न दे तो कुछ 15 या 20 दिन में ही, अगर उसके कटे हुए हाथ दिखाई दें, हाथ उसके दिखाई ना दें, यदि उसका पैर दिखाई नहीं दे तो कुछ एक समय, एक निश्चित समय है उसमें वो व्यक्ति दम तोड़ देता है, ऐसा स्वयं श्री शिव शंकर भगवान ने ऋषियों को बताया है। और दोस्तों, बताती हूँ कि वह व्यक्ति जो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसके लगातार एक ही स्वर चलता रहता है, या तो वो चंद्र स्वर ही चलेगा या सूर्य स्वर ही चलेगा, उसके स्वर बार बार बदलते नहीं हैं। अगली चीज है जिससे हम जान सकते हैं दोस्तों, वो है कि वह व्यक्ति अपनी आँखों से अपने नाक के अग्रभाग को, अपनी जीभ के अग्रभाग को आँखें ऊपर करने पर अपने भवों को वह व्यक्ति नहीं देख सकता है। अगली चीज है दोस्तों, जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई व्यक्ति कितने नहीं जी पाएगा, यदि वो हाँफनी लेता है थोड़ा भागने पर, यदि हाँफनी ठंडी आती हो तो वह व्यक्ति ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। श्वास अगर उसकी अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी होती जाए तो वह व्यक्ति भी अधिक दिन का मेहमान नहीं रहता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार में आया हुआ अचानक बदलाव, यदि कोई बहुत बुरा है और वो बहुत अधिक दयालु हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने वाला है वह दुखी रहने लग जाए, अथवा आप उसको बार बार कुछ कहें और वो जड़ स्तब्ध अगर हो जाए तो वह व्यक्ति 6 महीने से अधिक नहीं जीता है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक लोभी है, वो अचानक से अपने सारे धन के दरवाजे खोल दे, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध वाला है लेकिन वह बिल्कुल नम्र हो जाए, तो ये सारे, कोई व्यक्ति जो सारी जिंदगी बहुत शांत स्वभाव से रहा और वो अचानक अपशब्द भाषण करने लगे, प्रत्येक व्यक्ति से माफ़ी मांगने लगे, बार बार माफ़ी मांगने लगे, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की मृत्यु निकट ही होती है। दोस्तों, ये कुछ नियम हमारे पुराणों में, ग्रंथों में से लेकर मैंने ये आपके लिए बताए हैं। इनसे पता लग जाता है कि व्यक्ति कितने दिन जीने वाला है या फिर उसकी मृत्यु निकट ही है। इस आधार पर हम ये चीज़ें पता लगा सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।